अच्छा अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इस समय रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मैसेज कर दें, एम आई बीइंग हर्ड। तो अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले कि ऑनोमेटोपोइक वर्ड है ना, दोज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे जब स्लाइड में चलते हैं तो इस समय हम बात कर रहे थे सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए कि दे मस्ट साउंड, है ना। एक बात यहाँ पर लिखी हुई थी, योर स्क्रिप्ट मस्ट साउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रिप्ट अगर सुनाई पड़ रही है तो वो एक ऑडियो कार्यक्रम, जो हमने शुरू में बोला था, ऑडियो कार्यक्रम का मतलब है कि हमको अपने अपने ऑडियंस को या जो हमारे श्रोता हैं उनको जब वो सुनते हैं तो उनको कल्पना की भी अनुभूति हो, उनको समझ में आए कि क्या एक्चुअली बोला जा रहा है। अगले स्लाइड में चलते हैं समय, और समय देखते हैं कि जी हाँ, और यहाँ पर देख रहे हैं ऑनोमेटोपोइक एक्सप्रेशन क्या है। अगर मान लिया मैंने कहा द कप फेल फ्रॉम द टेबल, तो ये कोई इट्स अ वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन, एक सामान्य सी जानकारी, कप जी आपका टेबल से गिर गया। लेकिन अगर मैं ऑडियो में बोलूंगा, आई विल से दैट द कप फेल फ्रॉम द टेबल एंड ब्रोक, जहां पर मैं ब्रोक बोलता हूँ उसका मतलब ये कि यहाँ पर ध्वनि का जो आभास है वो है। आगे देखेंगे, अगले वर्ड को यदि हम देखते हैं कि देयर वेर बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, है ना, पक्षी है जो इस समय पेड़ पर बैठे हुए। लेकिन आगे मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, अगर मैं इसको ऑनोमेटोपोइक ढंग से बोलूं, तो द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री चर्प सो स्वीटली, है ना, जो पक्षी पेड़ पर बैठे थे उनकी उनका चहचहाना बहुत ही खूबसूरत था। जब ये कहूंगा इट इज द ऑनोमेटोपोइक एक्सप्रेशन। तो ऐसा लिखें कि आपकी स्क्रिप्ट के अंदर ध्वनि होनी चाहिए, योर स्क्रिप्ट मस्ट साउंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, बहुत बार ये होता है कि हमारी स्क्रिप्ट तो होती है लेकिन स्क्रिप्ट में आवाज नहीं होती, सिर्फ लिखा नहीं जाता है, लेकिन जो कुछ लिखा जाता है उसके अंदर से साउंड आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, देन इट इज द ऑडियो प्रोग्राम। आगे देखते हैं एक एग्जांपल और देखेंगे, अ रिवर फ्लोज बाय 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 विलेज। हम यहाँ तक आ गए थे और ये एक स्लोगन था जो कि मैं आपको दे रहा था उस समय, और यहाँ पर क्या लिखा है देखेंगे, राइटिंग फॉर द रेडियो इज नथिंग बट राइटिंग फॉर द ईयर्स। हम कानों के लिए लिखते हैं, है ना। अगर वीडियो के लिए अगर मैं लिखूंगा तो मैं आंखों के लिए लिखता हूँ, मैं कानों के लिए भी लिखता हूँ, लेकिन हम तभी जो बातचीत कर रहे थे, वी आर टॉकिंग टू अ ब्लाइंड फ्रेंड, है ना, हम उससे बात कर रहे हैं जो हमको देख नहीं सकता। लेकिन यदि देख नहीं सकता है तो कल्पना तो कर ही सकता है, आपकी आवाज ही पहचान बन जाएगी, आपकी आवाज ही पहचान बन जाएगी। आज मैं आप लोग को ये शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे में देखेंगे खास बात, इस समय थोड़ा सा आगे चलना चाहते हैं, आपके पास कुछ नहीं, यू हैव नो एनी एक्स्ट्रा सपोर्ट एक्सेप्ट द माइक्रोफोन, ओनली यू हैव द माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन के थ्रू ही जो कुछ आपको करना है वो करना है। रिमेंबर वन थिंग दैट द ऑडियो हैज अ क्रिएटिव एनर्जी, एंड ऑडियो के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आगे देखते हैं इस समय, अभी तो हमने देखा ऑनोमेटोपोइक वर्ड, और अब देखते हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन कई प्रकार के होते हैं लेकिन क्रिएटिवली कैसे बोले, एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर आप अपने लेफ्ट कॉलम में देखेंगे तो यहां पर है, लाइफ इज वेरी बिजी बट वी हैव नो टाइम। ये तो कोई भी बोलता है जी, है ना, अरे बहुत बिजी है, टाइम नहीं। लेकिन अगर इसको मैं बहुत क्रिएटिव ढंग से बोलूं तो बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, और वो कैसे बदल जाएगा इसको मैं इसी बात को बोलूंगा, व्हाट इज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम इवन टू स्टैंड एंड स्टेयर। जिंदगी क्या है कि हमको खड़े होने का भी टाइम नहीं है, ना प्रकृति की सुंदरता को निहारने का टाइम है। यदि मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका एक्सप्रेशन कुछ और हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर है आपका थैंक यू फॉर कमिंग, ये तो बोला ही जा सकता है किसी को भी, लेकिन यदि मन लगा के बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर विजिट। आपके साथ ये पीपीटी शेयर हो जाएगी तो आप इसको देख सकते हैं। अगले स्लाइड भी इस समय चलते हैं, और अगले स्लाइड भी इस समय कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस समय कुछ बातों को देखेंगे कि रिकॉर्ड कैसे करना है ना, इन बातों में हम बाद में आएंगे, लेकिन इस समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर मैं आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इन मोबाइल। जैसे हमने शुरू में बातचीत की थी कि आपके पास मोबाइल है, इससे ज्यादा पावरफुल टूल अभी तक और कुछ नहीं है। यू कैन रीच अप टू द एंड ऑफ दिस अर्थ, दैट्स क्वाइट पॉसिबल।
और ये सबसे पॉपुलर डिवाइस है, व्हाट यू कैन डू, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है वो ये भी है कि हाउ टू डिसेमिनेट। अब हम बिल्कुल सब्जेक्ट पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो बातें आपके साथ और करूंगा। क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स व्हाइल राइटिंग फॉर द रेडियो। नंबर वन, रेडियो के जब लिखते हैं, द लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल एज सून एज पॉसिबल, एज सिंपल एज पॉसिबल। आप देखेंगे, अगर मान लिया कि सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सेंटेंस अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वो समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज जितनी सिंपल होगी, जितनी लोकल होगी, जितने ज्यादा लोगों की भाषा के करीब होगी, उससे ज्यादा पावरफुल और कुछ नहीं हो सकता। तो लैंग्वेज मस्ट बी वेरी सिंपल। नंबर दो, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे, अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे लंबे वाक्य नहीं बनाने हैं आपको। लंबा वाक्य यदि बना दूं तो हो सकता है आप भूल जाए कि इससे पहले हम क्या बोले, है ना? तो इस समय इसको देखेंगे, लंबे वाक्य नहीं बनाने हैं क्योंकि लोग इसको भूल सकते हैं। आगे एक बात और बहुत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट और है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा, और ये है, वी हैव द नेचुरल ग्रीड टू यूज द हाई साउंडिंग वर्ड। लालच होता है जी, क्या ऐसा बोल दूं कि सामने वाला गिर पड़े, है ना? इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वी टेंड टू यूज द डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसा बोलो कि मेरी विद्वानी झलके, है ना? ऐसा बोलो कि लोग बोले हाँ जी जानता तो है बहुत कुछ। और कई बार टारगेट ऑडियंस हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं होती है, हमारी अथॉरिटीज होती है। सर जब पढ़ेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? ऐसा या तो कुछ और, या तो हम किसी एक जन को एम कर सकते, है ना? नो, हमको जानना चाहिए हमारी ऑडियंस क्या है, उनकी भाषा क्या है। अगर उनकी भाषा सिंपल है, अगर उनकी भाषा सिंपल है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स को हम यूज करें, ऐसे वर्ड को हम यूज करें जो वर्ड की उनको बिल्कुल इजीली समझ में आता हो। एक एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, एक बार फिर से इस सेशन में भी ये एग्जाम्पल ले लूंगा। अभी हमने बात किया था अर्जेंटीना में तोता कैसे पकड़ते, अब हम बात करेंगे अफ्रीका में बंदर कैसे पकड़ते। ओके, बंदर पकड़ने का कुछ तरीका है, और वहां वो क्या करते हैं, यहाँ तो हम जाल फेंक के पकड़ लेंगे, ओके, लेकिन वहां तरीका अलग है। इधर देखिएगा, स्क्रीन को देखिएगा, देखते एक आपका कोकोनट शेल, नारियल का एक आपका खोल लेंगे वो, और उसमें ऊपर में छेद कर देंगे, राइट? छेद इतना ही बड़ा होगा कि हाथ अंदर चला जाए, लेकिन अगर मुट्ठी बंद कर लें तो हाथ बाहर ना आए, राइट? अब देखिए क्या होता है, नारियल के खोल के अंदर वो रख देंगे चने। अब बंदर देखता है पेड़ से, हाँ वाह वाह क्या डाल दिया जी, हाँ यहाँ पर तो चने हैं। बंदर उतर करके आता है और यू करके हाथ, आप अपने स्क्रीन को देख सकते हैं, हाथ अंदर गया और उसने चने को यूं मुट्ठी में पकड़ा। अब जैसे पकड़ा, आप लोग शोर मचाते हैं, लोग शोर मचाते हुए आते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी इसको पकड़ लो, आ जाते हैं लोग। अब बंदर चाहता है भागना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाथ में चने, अब मुट्ठी खोल नहीं सकता क्योंकि लालच है ना? जान बचानी है तो वो मुट्ठी खोल के तुरंत भाग सकता है, लेकिन हायर लालच है ना, अब वो ऐसा है कि वो छोड़ नहीं सकता और वो पकड़ा जाता है। उसको पकड़ने का तरीका ये, लैंग्वेज में कई बार हम इसी प्रकार से पकड़े जाते हैं। क्या है, हाई साउंडिंग वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड की खाली कुछ लोग किताब लिखते हैं खुद के पढ़ने के लिए, है ना? बाकी तो और कोई तो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। तो जो कठिन शब्द हैं उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, हम जितना अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए यूजफुल होगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर आते हैं, अब वो ये है, अब आप कहेंगे सर इतना इतना तो बोल दिया लेकिन रिकॉर्ड कहाँ करें। तो ऑब्वियसली हम में से हर कोई बड़े बड़े स्टूडियो को तो अफोर्ड नहीं कर सकता, या वहां कहाँ जाएंगे। बेस्ट पॉसिबल मीन्स विच यू हैव इज नथिंग बट योर मोबाइल इटसेल्फ। लेकिन मोबाइल के बारे में इस समय हम बातचीत करेंगे, मोबाइल में क्या होता है। और एक बात आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि जितने पॉडकास्ट हैं, जितने लेक्चर्स हैं, मोस्टली दे आर रिकॉर्डेड इन द मोबाइल, मोबाइल में ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मोबाइल में जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसके कई साउंड फॉर्मेट होते हैं, MP3 में भी कुछ मोबाइल कर लेते हैं, कुछ है जो कि वेव में करते हैं, AAC भी होता है, OGG भी होता है, AMR भी हो सकता है, और M4A भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट है। लेकिन इफ यू वॉन्ट टू आई मीन क्रिएट द रिसोर्सेस, इफ यू वॉन्ट टू डिसेमिनेट इट, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको पॉडकास्ट में जाना है, या आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, व्हाट्सएप में तो हो जाता है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको पहले आपका मोबाइल जो भी साउंड फॉर्मेट दे, सुनिएगा ध्यान से, जो भी साउंड फॉर्मेट आपको दे, आपको उस फॉर्मेट को MP3 फॉर्मेट से कन्वर्ट करना, नंबर वन। और कन्वर्ट कैसे होगा, ऑनलाइन आप यदि गूगल में जाते हैं, है ना, गूगल में जाइए, सीधा आप वहां टाइप कीजिए MP3 कन्वर्टर, आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन यू कैन कन्वर्ट दैट साउंड फाइल, आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद
जब आगे चलेंगे तो ध्यान रखिए रिकॉर्डिंग के लिए कुछ बातें हैं, नॉट ओनली मोबाइल बट ऑल्सो वी हैव गुड फ्लैश रिकॉर्डर्स राइट। तो ऐसी जगह चुनिए जो कि थोड़ी साइलेंट हो। कई सॉफ्टवेयर ये बोलते हैं कि हम नॉइज रिडक्शन का की फैसिलिटी देते हैं, बट आई विल नॉट एडवाइज यू। अपने अनुभव से मैं ये बोलूंगा कि डन इज डन, जो रिकॉर्ड हो गया आप बहुत ठीक उसको नहीं कर सकते। तो ट्राई टू चूज अ वेरी साइलेंट प्लेस, एक बहुत साइलेंट जगह हो। रात के समय ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, एक बात आपको जरूर कहूंगा, कमरा आपका ऐसा हो जहां पर कि सामान बहुत है ना, स्टोर वगैरह होने चाहिए, तब आवाज में ज्यादा रिवर्ब नहीं आएगा। मुझको कई बार बोलना पड़ता है सीआईटी के बहुत सारा जो आपका पजल्स है, वो जब मैंने क्रिएट किया रात के समय तो कंबल ओढ़ के बोला है ना, कंबल ओढ़ के, क्योंकि तब आवाज नहीं जाती है ना। तो स्टोर रूम हो सकता है, आप एक दो अच्छे मोटे मोटे कपड़े ले लें ताकि आवाज ताकि बाउंस ना करे, रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीपीटी जानते हैं है ना, पीपीटी बोलते हैं, हाँ जी आपका पावर पॉइंट है ना, लेकिन पीपीटी से एक नई बात बोलूंगा, बोलने के लिए बहुत जरूरी है स्पीक मॉडरेटली, पी फॉर द पेस, ओके पेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट जो पी है उसका भी ध्यान रखिएगा, आपका पिच है ना, अगर आइए हम लोग पढ़ाई करें है ना, अगर मान लीजिए इतना ऊंचा बोलता हूँ कोई उसको ध्यान से नहीं सुनेगा, पिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर वन इज पिच, पी, नंबर टू इज पेस। पेस मतलब कोई जल्दी नहीं है, मैं कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, आइए आइए इसको करते हैं ये काम, मतलब उसको फिर इतनी स्पीड में कोई समझेगा नहीं। स्पीक मॉडरेटली, नंबर वन, पी फॉर व्हाट डिड आई से, मैंने बोला पिच, बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। नंबर दो मैंने बोला पेस, मतलब बहुत स्पीड में भी ना बोलें और बहुत स्लो भी ना बोलें। और जो टी है दैट इज द टोन है ना, टोन, टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस टोन में मैं बातचीत कर रहा हूँ। टोन बहुत कुछ बोल देता है ना, मेरे मन में क्या है वो टोन से दिख जाएगा है ना। और कई बार हम बोलते हैं थोड़ा टोन ठीक कीजिए, या उनके बोलने का टोन बहुत अच्छा है, तो रेडियो इज ऑल अबाउट द साउंड। जब हम बातचीत करते हैं, इसे मैंने शुरू में बोला था, आपकी आवाज ही पहचान है ना, तो टोन ऐसा रहे कि जब आप बोले तो लोगों को अच्छा लगे। तो पीपीटी आप नोट कर लें। अब हम आ रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट जगह पर, और इसके साथ अब मैं समाप्त करूंगा। हाउ टू डिसेमिनेट, नंबर वन, सबसे पहले ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर लें राइट। ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर ये एक ऑडियो एडिटिंग रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। कभी मौका होगा तो इसका हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑडेसिटी में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगी, प्लस आप इसमें म्यूजिक भी डाल सकते हैं। नंबर टू, व्हाट्सएप में आप एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्रुप में 256 मेंबर हो सकते हैं एक ग्रुप में। तो अब यह है, अच्छी कविता बोलिए, अच्छी कहानी सुनाइए, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए। सर बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी फोटो खींचेंगे ना, आपको अपनी फोटो अच्छी नहीं लगती, मेरी फोटो ही खराब है, बाकी सबकी अच्छी आती है। आवाज में भी ऐसे ही होता है, जब मैंने शुरू में अपनी आवाज रिकॉर्ड किया, अपनी आवाज से बिल्कुल मैं इंप्रेस नहीं हुआ, मैंने कहा इतनी खराब आवाज है ना। लेकिन बोलते बोलते क्या होता है कि आपकी आवाज का मॉड्यूलेशन बदलता जाता है, बोलने का तरीका बदलता जाता है ना। अब मैं बोलूंगा आइए कविता सुनते हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, अरे कौन सुनता है। रेडियो इज अ स्विच ऑफेबल मीडियम, 1 मिनट में यू विल बी आउट। आपकी आवाज के अंदर वो अर्ज होनी चाहिए, उर्दू में बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत वर्ड है कशिश, ये हो कि कोई बोले सुनने का मन करता है ना, सुनने का मन करता है। अगर ये बात आ जाए बात बिल्कुल अलग है। तो एक आप व्हाट्सएप में आप एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं, अच्छी कहानी बताइए। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, इस समय इन स्क्रीन को देखिए, स्क्रिप्ट लिख लीजिएगा, बिना लिखे मत बोलिएगा, क्योंकि होता ही है बिना लिखे अगर बोलते हैं तो जो बोलना चाहते हैं वही नहीं बोल पाते, लिख लें पहले है ना। और आजकल बड़ा यूज होता है मोबाइल में है ना, स्माइली हम यूज करते हैं है ना, हंसने का चिन्ह ये वो सब आप अपने स्क्रिप्ट में लगा लीजिए, यहाँ पर हंसना है, यहाँ पर थोड़ा स्पीड में बोलना है ना, ये चीजें आपको बहुत मदद करेंगी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ एनसीईआरटी के ब्रॉडकास्टिंग में अक्सर जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, आई यूज द सिमिलीज है ना, स्माइलीज में यूज करता हूँ वहां पर, कि यहाँ मुझको स्माइल करके बोलना है, यहाँ मुझको थोड़ा फास्ट बोलना है, यहाँ स्लो बोलना है। योर स्क्रिप्ट मस्ट साउंड एंड योर स्क्रिप्ट मस्ट डायरेक्ट। लास्ट बोलूंगा, एक काम और कर सकते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, दैट इज द पॉडकास्ट। पॉडकास्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझको ये विषय दिया गया है कि हाउ टू डिसेमिनेट है ना। तो पॉडकास्टिंग में अगर आपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिया है ना, पहले तो अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए, बार बार सुनिए, अभ्यास कीजिए,
और सारे एंकर्स को भी सुनिए, तो अपने आप फिर आइडिया हो जाता है कि करना क्या है। स्पॉटिफाई इज अ गुड ये आपका पॉडकास्ट आपका पॉडकास्ट फॉर्म है ना, बहुत अच्छा है ये। लेकिन स्पॉटिफाई में क्या होता है, दे विल चार्ज यू, है ना। तो ब्रॉडकास्टर आजकल एक बहुत अच्छा आपका आपका प्लेटफॉर्म है। ब्रॉडकास्टर या एंकर, ये दो पॉडकास्ट के बहुत अच्छे ये हैं, स्टेजेस हैं, यानी जहां पर कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं। दीज आर द गुड प्लेटफॉर्म्स। तो पॉडकास्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट इस समय बोलूंगा हाउ टू डिसेमिनेट, और उसके लिए बोलूंगा इवन यू कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। बात अगर निकलेगी ढंग से तो दूर तक जाएगी, नहीं निकलेगी ढंग से तो वहीं पर सीमित रह जाएगी, है ना। तो आप लोग क्योंकि शिक्षा में हैं, बहुत बहुत आप लोगों को इस समय आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी तरह से आप काम करें, और कुछ बातों को यहाँ पर हम देख रहे हैं। पॉडकास्ट क्या है, ये आपको स्क्रीन के अंदर मिल जाएगा। पॉड मीन्स ऑडियो, राइट। और एक बात और कहूंगा सबको, कुछ कुछ मिथ है ना, कि हम बोलते हैं कि वी नीड अ ग्रेट वॉइस, है ना। ग्रेट वॉइस की जरूरत नहीं, पीपल डोंट फॉलो द ग्रेट वॉइसेस, इंस्टेड दे फॉलो अ ग्रेट मैसेज। अगर संदेश बहुत अच्छा है, कलाम बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा जाएगा, है ना। दूसरी बात, आप एक मिथ हो सकता है, बहुत कम लोग सुनते हैं ये, कौन सुनेगा जी हमको, लेकिन स्टार्ट तो करें, है ना। एक चाइनीज कहावत है कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो स्टार्ट करें, और आपको धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें, और लास्ट में एक बात और इस समय कह के समाप्त करूंगा, ये सारी बातें मैंने बता दी, और आप उस सॉफ्टवेयर को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देखेंगे पॉडकास्ट क्यों, वाई पॉडकास्ट। तो नंबर 1, अपनी हॉबीज के लिए हम कर सकते हैं, हमारी हॉबीज हो सकती हैं। कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, तो यू कैन यूज इट फॉर दैट। इट इज वेरी इकोनॉमिकल, बहुत खर्च नहीं होता है, इजी टू प्रोड्यूस एंड इजी टू डिसेमिनेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए। आप सबने सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मैं मैसेजेस इस समय देख लेता हूँ, अगर आपके कुछ मैसेज हैं तो इस समय देख लें। राइट, आगे चलें। अच्छा, साफ साफ आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तो समाप्त करते हैं यहाँ पर, हाँ। और कुछ बातें इस समय जो आपके साथ जो यानी शेयर की, इन बातों को आपने देखा होगा, कोई टॉपिक अगर छूटता है तो उसको देख लें। इज देयर समथिंग, प्लीज टेक मोर अबाउट द पॉडकास्ट। धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका। हाँ सर का सेशन हमेशा बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही रुचिकर रहता है, और सर बोलते हैं तो हमें लगता है कि बस हम सुनते रहे, कब टाइम निकलता है पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऑडियो रिसोर्सेस क्या है, कैसे बनती हैं, इसके बारे में बहुत कुछ ओरिएंटेशन सर ने दे दिया हमें, लेकिन और भी हमको जानना हमारे एंड पे जरूरी है। मैडम गुड कोई अगर आपके आफ्टरनून, सवाल है तो हम वेट कर रहे हैं। मैडम गुड आफ्टरनून, कैन यू हियर मैडम, सर नमस्कार। गुड ऑडियो आफ्टरनून। रिकॉर्डिंग का आपने बताया, ठीक है। इसके साथ अगर स्लाइटली म्यूजिक भी हमको रन कराना है, मैं पहले भी की हूँ तो मुझे 2 मोबाइल रखना पड़ता था, तो क्या हम एक ही मोबाइल से म्यूजिक प्लस ऑडियो रिकॉर्डिंग इस टाइप का भी कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर से? तो थोड़ा सा उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए था सर, क्योंकि अगर सीधे सीधे बोल के कुछ परोस दिया जाए तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन उसके साथ हल्का बैकग्राउंड साउंड चलता रहे तो बहुत अच्छा इफेक्टिव लगता है। जी सर। मैं इसका जवाब देता हूँ। मोबाइल से आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में अभी तक साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आप म्यूजिक डालना चाहते हैं तब शब्दों को तो हटा सकते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बेसिकली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑडेसिटी, है ना। ऑडेसिटी इज ए गुड सॉफ्टवेयर, और इसमें यह है कि ट्रैक 1 में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आपकी वॉइस, ट्रैक 2 में आप पीछे से साउंड इफेक्ट या तो म्यूजिक भी डाल सकते हैं, बड़े आराम से होता है। तो मोबाइल के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है, लैपटॉप की आपको जरूरत पड़ेगी या तो डेस्कटॉप, है ना, दोनों में आप आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साइट पर भी जा सकते हैं, हम लोगों ने कई ट्यूटोरियल दिए इसको यूज करने का। दूसरा, यूट्यूब में भी इसको यूज करने का बहुत अच्छा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। और ये बहुत आप यहाँ काइन मास्टर बोल रहे हैं, दैट इज मेनली फॉर वीडियो, है ना। तो ऑडियो की अगर हम बात करेंगे, ऑडेसिटी का प्रैक्टिकल सेशन हो तो बेहतर होगा, देखेंगे इसको जरूर। तो आपका ये सवाल मैं समझता हूँ कि मैंने उत्तर दे दिया, आपको जरूरत पड़ेगी ऑडेसिटी, है ना। ऑडेसिटी अगर आप ले लें, दैट विल बी वेरी नाइस, वो आपके लिए अच्छा होगा। एनी क्वेश्चन? तो सर सर सर, वो ऑडिसिटी का हेलो हेलो सर जी, आप बोले, आप बोले सर, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर। आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट पुट द पीपीटी इन द ग्रुप सर, इज ओनली रिक्वेस्ट टू यू। पीपीटी पीपीटी इन द ग्रुप सर, शेयर द पीपीटी इन द ग्रुप सर। हेलो हेलो सर, आई एम हाँ एवरीवन। सर मैं एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। आप लोगों की जितनी भी क्लासेस हो रही है उनकी यदि रिकॉर्डेड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। हेलो हाँ सर, जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं सर जी के, फेज वाइज जैसे ही एक फेज खत्म होगा हमारी वेबसाइट पे ही आ जाएंगे, सीआईटी की वेबसाइट पे, विद ऑल द रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड विद ऑल द पीपीटीज। बाकी ग्रुप में भी हम पीपीटी शेयर कर रहे हैं डे बाय डे। अजीत सर, आपका कौन सा पॉडकास्ट है? अगर हमें वो पॉडकास्ट सुनने को मिल जाए या कि यूट्यूब पे चैनल हो तो हम आवाज के बारे में बहुत अधिक जान सकते हैं आपसे, और सर आवाज के कृपया बारे बताने में की कोशिश। YouTube में एनसीईआरटी ऑफिशियल चैनल में हम लोग आप हम लोग को सुन सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग के 400 स्टेशन से ऑल इंडिया रेडियो, है ना, इससे हमारा हमारी ब्रॉडकास्टिंग जाती है, इसमें भी आप हम लोग को सुन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन YouTube ऑफिशियल, एनसीईआरटी ऑफिशियल प्लीज जी, रिपीट सर। आप बोलिए। रिपीट कर दीजिए सर, आवाज कट गई है। यस अच्छा, सर। आपको यदि सुनना है आप हम लोग को सुन सकते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दूसरा, आप अलग अलग जगह में, छत्तीसगढ़ बोले तो रायपुर है, अलग अलग जगह, अगर रांची बोले, अगर झारखंड बोले तो रांची है, हर जगह से आकाशवाणी से हम लोग के कार्यक्रम आते हैं, उसमें हमारी आवाज आप सुन सकते हैं। और एक बात और आपके साथ इस समय शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे बोलने का, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक आपकी आवाज मतलब निखरती जाएगी। आजकल तो क्या है ना, देखिए डिवाइस बहुत कुछ है, मोबाइल हर एक के पास है ना, रिकॉर्ड करने का भी अलग अलग मीडिया हमारे पास है, फ्लैश रिकॉर्डर है, लेकिन अगर आवाज पर ही अभ्यास नहीं है, अगर नियंत्रण नहीं है तो कैसे होगा, है ना। कर तो लेंगे, अच्छा से अच्छा साउंड रिकॉर्डर मैं ले सकता हूँ, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है। उसके लिए 2-3 बात आपको बताऊं, अब वो ये, जैसे मान लीजिए ये स्क्रिप्ट है, यू कैन सी दिस, है ना, अगर स्क्रिप्ट है यहाँ पर आपको मार्किंग करना चाहिए, जो जो मैंने तभी बताया, स्माइली आप लगा सकते हैं, एक्सप्रेशन आप लगा सकते हैं। अब बोलने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जितनी बार, बल्कि कुछ रिकॉर्ड करने से पहले, आपको मालूम है यानी स्टोरी टेलिंग इज अ वंडरफुल आर्ट। मार्था, एक मैंने कविता पढ़ी थी एक बार, और उसमें ये था कि लिखा है कि यू लिसन टू हर एंड द स्टोरी सीम्स, कोई आपको सुन रहा है, कहानी आपके सामने खड़ी होगी, बोलने का वो तरीका है ना। तो यहाँ पर है सर, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन वर्क विद यू। अच्छा, ओके, कॉन्टैक्ट बहुत बहुत स्वागत है, कांटेक्ट कीजिएगा, हमारा ईमेल आईडी है audio@cit.nic.in, है ना, audio@cit, उसमें आप लोग अपना फीडबैक भेज सकते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में, कुछ और सवाल है तो वो भी बोल सकते हैं। सर,
ऑडियो सिटी का ऐप का लिंक अगर मिल जाए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे दिख रहे हैं, एग्जैक्ट कौन सा लेना है? इसमें है, इसमें है, ये आपका वर्षन 3.0 है। जो जो जी 2 वर्षन है ना, वो अब उतना ज्यादा अप टू डेट नहीं है। अप टू डेट करने के लिए आपका 3.1 आप लीजिएगा, और वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। ओके सर, थैंक जो काम यू करता सर। है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एनीथिंग एल्स आप लोग बात कर सकते हैं फ्री हो के बाद में। बोलिए बोलिए। सर विलेक भी की हम लोग जो बोलेंगे उसका एक पॉडकास्ट बना के। आवाज आपकी रुकी। जी बोले सर, कुछ इसमें कल एक बार भी नहीं कटा है, पूरा लंच चाय ब्रेक सब में ऑन ही रहा है। सर आई वुड लाइक टू से कि अगर विल इट बी कि हम लोग एक पॉडकास्ट बना के आपके साथ शेयर करेंगे, एंड वॉट एवर इम्प्रूवमेंट्स विल बी देयर, तो यू विल बी टेलिंग अस कि इसे किस तरीके से और करना है। क्या ये प्रैक्टिकल होगा? ये बिल्कुल हो सकता है। जो आपको ईमेल आईडी दिया है ना, उस ईमेल आईडी में आपको रिकॉर्ड करके अपने वॉइस का सैंपल भेज दें, कम से कम सुन सकते हैं और उसमें हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो सेशन है ना, तो इसके लिए देखिए इसके लिए काफी काम करना पड़ता है। एक तो पहले कोई अच्छी सी स्टोरी लिखिए, नंबर वन, या कोई अच्छा सा कोई जो भी आप सोचते हैं लिखने के लिए। ऑडियो के लिए एक बात और बहुत जरूरी है कि इसमें ज्यादा स्टेटिस्टिक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा याद नहीं होता है। अच्छी कहानी हो सकती है, अच्छा मुहावरा हो सकता है, कोई अच्छा कुछ और भी हो सकता है। अच्छा ईमेल आपके साथ हम रिपीट कर देते हैं। We can get music in that. Okay, okay. आपका पब्लिक डोमेन में अगर जाते हैं तो आपका एक तो आपका soundbible.com, इसमें आपको फ्री रॉयल्टी फ्री म्यूजिक और साउंड इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। सर मैंने एक पोएम लिखी है, आप उसको भेज सकते हैं, ईमेल पर भेजिए, है ना, सुन लेंगे सुन लेंगे। तो ये है, तो आपको ना अभ्यास बहुत करना पड़ेगा बातों को, थोड़ा सा यू ही रिकॉर्ड करके फायदा नहीं है ना। और ऑडियो सिटी का भी जो ट्यूटोरियल है, आप सिर्फ एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल में आपको मिल जाएगा, हम ही लोग का दिया हुआ, दैट वी हैव गिवन, तो वो भी आप देख सकते हैं। राइट राइट, हाँ यही है यही है, audio@cit.nic.in ये है। इसमें आवाज आप लोग भेज सकते हैं जो मैं बोल पाऊंगा, जो हम आपकी आवाज के लिए बोल पाएंगे, उसमें हम जो एडवाइस हो सकता है हम जरूर दे देंगे आप। ये है, तो इफ एनी अदर क्वेश्चन विद यू, म्यूजिक के लिए आपको दो साइट बताया, एक आपका freemusic.com, freeplaymusic.com, और एक है आपका soundbible.com। यहाँ आपको म्यूजिक भी मिल जाएगी और यहाँ आपको साउंड इफेक्ट भी मिल जाएंगे, है ना। ये एक आपका इंटरनेशनल वेबसाइट है, साउंड बाइबल soundbible.com, soundbible.com, ये अच्छे साइट हैं, यहाँ से कि आप लोग को मिल जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं हम लोग। soundbible.com डाल दिया मैंने। एक और है, राइट राइट, अंडा थी और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग इस समय पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन।
सर ऑडेसिटी के बारे में एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। अच्छा, ऑडेसिटी के बारे में आपको इसका ट्यूटोरियल पूरा हम भेज देंगे, हमारे पास वो है ना, हमारे पास है, और अभी बल्कि यहीं पर अभी हम शेयर कर देंगे। ऑडेसिटी एक काफ़ी अच्छा ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, हम इसको आपके साथ शेयर कर देंगे। और इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि ना सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी, लेकिन इसमें आप साउंड इफेक्ट और म्यूजिक भी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। ये मिक्स भी कर देगा, साउंड का जो लेवल है उसको भी वो डिसाइड कर रहता है, एवरीथिंग इज गुड, मतलब यू कैन मिक्स एंड यू कैन मेक अ वेरी गुड प्रोग्राम, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपको इसके द्वारा मिल जाता है। तो इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर, और इसका ट्यूटोरियल हम डाल देंगे, अभी हमारे पास है, अभी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसको पूरा देखिएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी बातें मेंशन है ना, एवरी स्टेप, यानी क्या करना है, डाउनलोड कहाँ से करना है, जब एडिट करना है तो कहाँ से करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, माइक्रोफोन कौन सा यूज करना चाहिए, माइक्रोफोन के साथ कितना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। कई बार ये होता है कि माइक्रोफोन को हम बहुत अपने पास रखते हैं, उससे भी कई बार साउंड क्वालिटी वो नहीं होती है, यूजुअली होता है कि इतना है ना आपका एक बिट्टा, एक जो क्या बोलूँ, जो ऑप्टिमम जो साइड है, जो आपका डिस्टेंस है माइक्रोफोन का, वो ऑलमोस्ट करीब करीब उतना होता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। एक बार आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दे दें, देख लेंगे। हाँ ठीक है, और ऐसे टिकट डाला, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब पे जो है उसका सेशन का लिंक यहाँ पर है, है तेरे पास वो डाल के है यूट्यूब का। अच्छा, चैट बॉक्स में Audacity का हैंड्स ऑन की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो जो हमारा ही सेशन है, सर का ही सेशन है, इसमें हैंड्स ऑन जाएगा, और लिंक हमने शेयर कर लिया, आप प्लीज उसे रेफर कर लें, और एक बार आप कहें तो हम उसे चला के भी दिखा देंगे। आज आप लोग को मौका है बातचीत करने का, आप तो बातचीत कीजिए, हम भी बातचीत कर ले, है ना। अच्छा लिखा है आपका, लंबा अनुभव निश्चित रूप से हमारे लिए अनुकरणीय रहेगा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप लिख रहे, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए आपके साथ ये शेयर भी हो गया, ऑडेसिटी को आप जरूर से सीख लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, है ना। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिकल एडवाइस है वो ये है कि स्क्रिप्ट लिख के उसको बार बार पढ़ने का अभ्यास आप जरूर करें, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में है, लेकिन जब हम मीडिया के लिए बोलते हैं, जब हम लोगों के लिए बोलते हैं, तो वो बिल्कुल बात अलग हो जाती है ना, कहाँ ठहराव है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ एक्सप्रेशन का क्या होगा, जो पीपीटी आपको बोला था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पी से जैसे आपको स्टूडेंट बताया पिच, कई बार आदत होती है कि बहुत ऊंचा बोलते हैं, है ना, लेकिन हर बार उसकी जरूरत नहीं है। ऑफलाइन सेशन पॉसिबल इन गोवा, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर मेल कर दें, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, आप एक मेल कर सकते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर सीआईटी, और आप उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन, वी विल बी देयर, ऑफकोर्स द ऑफलाइन सेशंस आर मोर, व्हाट शुड आई से, आई विल नॉट से मोर फ्रूटफुल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन इंटरेक्ट फेस टू फेस, so that's very important, that is there, we want offline in Maharashtra, अलग अलग जगह से आ रही, ठीक है, आपकी आवाज किसी दृष्टिहीन को भी दिखा सकती है, गुड कमेंट, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आवाज को आप जितना साधेंगे, है ना, जो मैंने सुबह बोला था अभी फिर से बोलूंगा, एक कहावत है स्काई इज द लिमिट, मुझको लगता है स्काई इज नॉट द लिमिट, अवर माइंड सेट इज द लिमिट, है ना, माइंड सेट इज द लिमिट, लगता है इसके आगे तो होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, यू कैन डू द मिरेकल्स। साइंस टीचिंग, अच्छा, ऑनलाइन सीखने के ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन सीखने, आगे देखते हैं। अच्छा, भोपाल से भी थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेल कर सकते हैं, ऐसा होगा तो अकॉर्डिंग टू द नीड इट कैन बी डन। हाँ देखिए, आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है, दो जगह आप ये मेल डाल सकते हैं, तो ये तीन जगह तो वी विल बी अवेलेबल देयर। और कुछ बातें और रिगार्डिंग द ब्रॉडकास्टिंग, जो मैं तभी बोल रहा था, व्हेन यू आर इन द ब्रॉडकास्ट, है ना, यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू सी यू, बट योर वर्क इज टू मेक हिम सी थ्रू द ईयर्स, कानों से वो आपको देखे। साइंस के लिए आप बोल रहे हैं, साइंस के थोड़ा सा कमेंट करो,
अपर प्राइमरी लेवल के बाद साइंस के प्रोग्राम ऑडियो में उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, बट द साइंस सॉन्ग्स कैन बी वेरी इफेक्टिव। कोई छोटा सा ये लीजिए, कॉन्सेप्ट लीजिए, उस पर कोई गीत बना दीजिए, 4 लाइन का कोई सॉन्ग हो सकता है जिसे पीरियोडिक टेबल बहुत लोगों ने गागा के याद किया है, गागा के याद किया है। तो म्यूजिक हैज अ ग्रेट इंटरवेंशन इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, बट एज फार एज द साइंस इज कंसर्न, तो अपर प्राइमरी लेवल तक आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यू कैन डू सम गुड पजल्स, अच्छे राइम्स हो सकते हैं, अच्छे सॉन्ग्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इशू को। एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से, इफ नॉट साइंस एटलीस्ट यू कैन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप देयर साइंटिफिक टेम्पर, इसके लिए भी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोफोन, यू आर आस्किंग, माइक्रोफोन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आजकल जैसे कुछ माइक्रोफोन्स हैं, अब कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नाम तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये कि माइक्रोफोन ऐसा लीजिए कि आपके लिए इफेक्टिव रहे, मतलब बहुत जोर से जिससे बोलना ना पड़े। अच्छे माइक्रोफोन आपको विद इन 5 आपको मिल जाते हैं, गुड माइक्रोफोन्स। आजकल लेपल माइक्रोफोन्स भी आ रहे हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, आप उसको अपने कॉलर में टक कर लीजिए, बोलिए, अच्छा आता है। तो दैट वी कैन सी। एनीथिंग एल्स, हाउ कैन रेडियो यूजफुल फॉर द CWSN, इसको बस समझा लीजिए। CWSN स्टूडेंट स्पेशली, अच्छा ओके। इस समय 2-3 बातें और आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी बहुत अच्छा यूजफुल कार्यक्रम हो सकता है। जैसे आई रिमेम्बर, अगर मान लीजिए स्पेशल नीड के बच्चे हैं तो हो सकता है कि लर्निंग स्पीड उतनी ना, तो उसके लिए कई बार हम क्या करते हैं कि वी यूज टू डू दैट, वी मेक अ प्रोग्राम इन विच द पेस इज स्लो एंड द रिपीटेशंस आर देयर, रिपीटेशंस होती है फॉलोड बाय द म्यूजिकल इंटरवेंशन। हल्की म्यूजिक रखिए और बोलने की जो स्पीड है, अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आप बोल रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग का, अच्छा मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो स्पेशली जो एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए अच्छा होता है कि आप काफ़ी छोटे कार्यक्रम बनाएं, बहुत लंबा नहीं, 2-3 मिनट एंड 4-5 मिनट, ताकि कुछ जो आपको सिखाना है, विच इज योर फोकल आइडिया, उस बात को लेकर के आप उनको बता सकते हैं। और जहाँ तक उनके लिए, एक तो देखना पड़ेगा किस तरह के लोग, लेकिन उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। इस समय आप कह रहे हैं जहाँ तक वॉइस की डेमो की बात है, तो ब्रॉडकास्टिंग का तरीका ये है कि हमेशा आवाज़ के अंदर एक ठहराव उसका होना बहुत ज़रूरी है, और जितने ठहराव के साथ आप बोलेंगे उतना कार्यक्रम ज़्यादा मीनिंगफुल आपके लिए होता है। तो दैट इज देयर। और इस समय कुछ बातें और, अगर सेशन हल्का सा डेमो आप लोग, मैं हेजिटेट कर, ठीक आते हैं चलिए। तो अब जैसे बोलते हैं, तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आज का कार्यक्रम। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम, जिसका विषय है ज्ञान, है ना। अब बोलिए सुन के कैसा लगा, बिल्कुल भाग खड़ा होगा ऑडियंस, है ना। ये रेडियो के बार बार बोलते हैं इट इज अ स्विच ऑफेबल मीडियम, है ना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन बी स्टैंड आउट, है ना, बात कर देंगे। बोले इसको तो सुनना ही बेकार, इफ देर इज नो हार्ट इन साइड, है ना, आर्ट विल नॉट कम आउट, आर्ट नहीं आती। इफ देर इज नो आर्ट देर इज नो हार्ट, इफ देर इज नो हार्ट देर इज नो आर्ट, उल्टा पुल्टा कर लीजिए, है ना। सो इफ द लाइफ इज नॉट इम्बाइब्ड हियर, अगर लाइफ यहाँ पर नहीं, हाउ कैन आई इम्पार्ट, मेरी आवाज में दम नहीं है ना, तो मैं किसी को दौड़ा नहीं सकता। तो बोलने के अंदर नंबर वन, एनश्योर दैट यू आर फिल्ड विद द एनर्जी। आई रिमेंबर वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू रिमेंबर चार्ली चैपलिन, एंड ही सेज चाहे कुछ भी हो, शो मस्ट गो ऑन। माइक्रोफोन के सामने जब होते हैं तो ये हम भूल जाते हैं कि कौन सी ट्रेजेडी चल रही है, कहाँ पर क्या हो गया, कहाँ पर आपका ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया, कुछ उस समय याद नहीं होता। वो खड़े होकर के सीधा, देन यू हैव टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोफोन रिगार्डलेस ऑफ वॉट योर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड इज। अगर जब ये होगा तो अपने आप यू विल बिकम वेरी इफेक्टिव। यही तो आर्ट है सर, यही आर्ट है कि जो, हाँ वाला मुझको याद आता है, होठों पे हंसी होती है, सीने में दिल रोता है, रोता रहे, लेकिन अगर आपको हंसाना है, शो मस्ट गो ऑन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे एक बात को, और थोड़ा सा हल्का सा इस समय डेमो देता हूँ।
साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजीत गुरु। सीआईटी एनसीईआरटी के उमंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके बहुत सारे पत्रों के जो कि हमको ईमेल के जरिए मिलते हैं, लेकिन आज के दिन आपसे एक गुजारिश है और वो हम ये करना चाहते हैं कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनिए ही मत लेकिन सुनाइए भी। सुनाइए भी का मतलब ये है आप अपने दो तीन और मित्रों को भी बता सकते हैं कि एक कार्यक्रम है जिसका नाम उमंग है, और जब इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो सच में यार चाहे मूड कुछ भी हो मन के अंदर एक नई उमंग आ जाए, है ना। तो देखिए ये बोलने का तरीका था, इसी को मैं बोलता तो हमारा कार्यक्रम जरूर सुनिएगा, आपको बहुत शिक्षा मिलेगी। तो इसको ये बड़ा मुश्किल है ना, लोग मतलब अगर आवाज के अंदर एनर्जी है ना, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक मिनट देख लूँ आप क्या लिख रहे हैं। एनसीईआरटी वाइज रिकॉर्डिंग इन ऑडियो, ठीक है वो, अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच, आई एक्नॉलेज यू। तो सर इस समय सुनिएगा, एक कहानी आपको सुनाता हूँ, एक कहानी सुनिएगा, एंड आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, है ना, ये भी सेशन का ही हिस्सा है ना, सेशन का ही हिस्सा है। तो एक छोटी कहानी जो कि अक्सर मैं बताता हूँ लेकिन इस समय आपके साथ शेयर करता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग में जाते हैं। ओके, नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत खोरू, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आज हमको मौका है और आपको भी मौका है, हमको मौका है सुनाने का, आपको मौका है सुनने का, लेकिन आज एक अवसर ये भी होगा कि हम आपको भी सुनेंगे। तो इस समय चाहते हैं कि अपने अपने मोबाइल के कीपैड पर आपकी उंगलियां आ जाएं, रिकॉर्डिंग में जाइए और आप अपने मैसेज को इस समय टाइप कर सकते हैं या अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप हमको भेज सकते हैं, और जैसे आपकी आवाज हमको मिलेगी आज आपको एंश्योर करते हैं कि आप सुन पाएंगे अपनी भी आवाज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस समय चलते हैं एक बहुत विशेष कार्यक्रम की ओर। मुझको इस समय घटना याद आ रही, एक घटना मुझको याद आ रही है, आपने टाइटेनिक के बारे में सुना होगा, इट्स अ वंडरफुल फिल्म, और इसको क्या पता कितने ऑस्कर अवार्ड मिले, 5 से कहीं ज्यादा। लेकिन टाइटेनिक क्यों डूबा साथियों, इसको लेके कई थ्योरीज, राइट, इसको लेके कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि शायद बहुत धुंध थी और बहुत कुहासा था, तो सामने जो आइसबर्ग था वो दिखा नहीं, इसलिए आइसबर्ग टकरा गया, राइट। एक थ्योरी ये है कि क्योंकि उन्होंने स्पीड कम नहीं की तो उनका जो आपका बॉयलर है वो फट गया था। अलग अलग थ्योरी, लेकिन एक थ्योरी और है आइसबर्ग के टकराने से, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और इन्वॉल्व रही है ना, बैडमिंटन अकेले नहीं खेल, यहाँ से खेलते हैं, मैं सर्विस कर रहा हूँ, आप कुछ ना करें तो क्या फायदा होगा, बोलिए उधर से भी बोलिए तो हम भी बोलते हैं, आएंगे भी आपको एंजॉय कर रहे हैं तो लिखिए, अच्छा लग रहा है, राइट। हाँ तो आइए इसे इसी कहानी में आगे चलते हैं, है ना। देखिए अब मैं बोलूँ कि देयर आर सो मेनी थ्योरीज माई डियर फ्रेंड्स, ओके, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो आप बोलेंगे अच्छा तो हमको सिखाता है ना, वो नहीं करना है, सुनिएगा। तो साथियों आप आपसे मैं मुखातिब हूं इस समय, और मैं ये बात कर रहा था आपके साथ कि हाँ अच्छा लग रहा है सर, यही तो सेशन है ना, यही है नॉलेज का इम्पार्टेशन, इससे ही होता है ना, इफ यू आर एंजॉइंग दैट्स वेरी गुड। आगे चलते हैं, तो आते हैं फिर से ब्रॉडकास्टिंग में। तो हाँ, तो साथियों आपसे मैं मुखातिब हूँ, ऐसे मैं ये बता रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी थ्योरीज ऑफ व्हाई टाइटैनिक सैंक, लेकिन एक थ्योरी है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। आपको याद है मैंने क्या क्या थ्योरी बोली थी? एक थ्योरी थी कि आइसबर्ग नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि सामने में आपका कुहासा था, इट वॉज अ ग्लूमी नाइट, ओके। दूसरी थ्योरी थी कि टाइटैनिक डिड नॉट डिक्रीज इट्स क्रूजिंग स्पीड, and that's why it collided with the iceberg, that is the theory number 2, but theory number 3 is very important, bahut kam log isko bolte hain, aur aapko bata do theory number 3 kya hai, ye aapko malum hai, ye aapko malum hai ki titanic jab samudra mein tha aas paas bahut sare aur bhi jahaz the, aur un jahazon ne bhi titanic ko message bheja, titanic ko ye message mila, uske captain ko logon ne message diya ki samne mein iceberg hai, एक जर्मन शिप वहां पर था, एक स्पेन का शिप भी वहां पर था। साथियों सुनिएगा एक बात आपको और बताऊं, एक शिप और था जो कि अनआइडेंटिफाइड था, ऑल हैड सेंट टू हिम, ऑल हैड सेंट टू द टाइटैनिक द मैसेज दैट द आइसबर्ग इज अहेड, बट नो वन, स्क्रीन को देखिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद टाइटैनिक के कैप्टन ने यह सोचा होगा, यह सोचा होगा कि आई एम द टाइटैनिक, आई एम टाइटैनिक, डू दे नो हुम दे आर टॉकिंग टू, हमको पढ़ाता है ना, हम टाइटैनिक हैं, वी आर द माइटीएस्ट इन द वर्ल्ड एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न,
सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो अब ये कौन है हमको मैसेज देने वाला। लेकिन साथियों आपको ये बताएं, मैसेज मिला टाइटैनिक के डूबने का बहुत बड़ा कारण ये था, उन्होंने मैसेजेस को, उन्होंने वार्निंग को अवॉइड किया। आप क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो इस समय आपको जरूर इस बात की गुजारिश करूंगा, वार्निंग देना लेकिन बहुत डिसेंटली इस बात को जरूर बोले। आजकल बहुत सारी बातें हमको दिखाई पड़ती है, ब्रोकन फैमिलीज, ड्रग एडिक्शन, सो मेनी थिंग्स वी सी, सो मेनी थिंग्स वी सी। और ऐसे टाइम में आपकी बहुत बड़ी यू आर द नीड ऑफ द आवर। समय की आप जरूरत है, आप सिर्फ टीचर नहीं, आप समय की जरूरत है। अपने आप को बोलिए, रिपीट करके बोलिए, आई एम द नीड ऑफ द टाइम। जब अपने बारे आप ये बोलेंगे, अपने प्रति आपका सम्मान बढ़ जाएगा। हम ही अपना सम्मान नहीं करेंगे तो अगला कैसे करेगा, राइट? तो मैं ये डेमो दे रहा था कि बातचीत कैसे करते हैं ना, इस तरह से हम बातचीत कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए थोड़ा एजुकेशनल आना है तो हम क्या करेंगे, इस समय सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। एक एग्जाम्पल आपको इस समय और मैं इस समय आपके सामने देता हूँ कि हाँ, नाइस पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द एजुकेशन। वर्कशॉप 15 दिन अटेंड कर अच्छा लिख रहा है कोई साथियों, अगर हम हंस रहे हैं ना, आज यदि किसी को हंसा दिया, मस्जिद बड़ी दूर है घर से गालिब, आओ किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए। अगर हंसा दिया ना, अगर हम एक दूसरे के साथ पावर शेयर कर सकते हैं, आई थिंक हम लोग का दिन बन गया है ना। एनीथिंग एल्स, तो ये था एक डेमो। अच्छा, कार्यक्रम को समाप्त कैसे करती है आपको बताऊं तो श्रोताओं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी तो आप मुझको देख रहे हैं लेकिन माइक के सामने भी हम हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि माइक के सामने अगर हाथ जोड़ेंगे ना तो वाली फीलिंग आती है, नहीं तो वो फीलिंग कभी नहीं आएगी। हाँ श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। मैं आपका दोस्त अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रसारण को सुना, और मुझे आशा है कि आगे भी एक दूसरे के साथ इसी तरह हम हवाओं में मिलते रहेंगे। यूं ही मुलाकात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हवाओं में तो मिल ही सकते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके प्रत्युत्तरों के लिए, आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को सुना, आपने हमको समय दिया। तो अब चाहता तो हूँ कि बात करूँ लेकिन एक ऐसी चीज है जो इजाजत नहीं देती और वो है समय। समय कई बार अनुमति नहीं देता। तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ, तो कल एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को कार्यक्रम सुनने के बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। ये था एंड, इस तरह से हम बातचीत कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स, हम लोग बहुत लंबा जा सकते हैं सर, दिन भर बात कर सकते हैं। मैंने बहुत बोला, वो आप अजीत सर का नंबर चाहिए आप लोग मेल पर संपर्क कर सकते हैं जरूर से, है ना, बातचीत हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग आपको यहाँ पर यानी प्रशिक्षण देने वाली पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, तो सबके बिहाफ पर मैं बहुत ही इनके साथ बैठ के और ज्यादा मजा आया क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल सामने। हाँ आप लोगों की कोई क्वेश्चन क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, इतना अच्छा इंटरेक्शन था सर के साथ। और कमेंट्स सर आप पढ़ ही रहे होंगे कि जो रिमार्क्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। आप पढ़ो, यही तो पुरस्कार। अब हमारे लिए तो कोई शब्द छोड़ा नहीं इन्होंने कि हम आपको थैंक्स बोले। अच्छा, यू हैव अ डास्ट टच विद एवरीथिंग, यू आर रियली लकी सर, यू हैव अ बैरिटोन वॉइस। और सबसे अच्छा कमेंट तो ये था कि इस 5 दिन की ट्रेनिंग को 15 दिन तक ले सकते हैं आपके साथ, तो हम कहीं कभी कोई बोरिंग सेशन हुआ आपको बुला लेंगे सर। इससे बड़ा कमेंट कुछ नहीं, बिल्कुल समय तक रहना। हाँ बिल्कुल इससे बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल दिल से धन्यवाद आप सबों को। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथी।